अपने उस परिवार में एक असहनीय दुख पैदा होता है। साथ में ये भी अनुरोध किया गया है कि जो लोग रंग से परहेज करते हैं क्या करके उस दिन अपने घरों से न निकले, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती न की जाए। कोई भी निकल रहा है तो उसको रंग से परहेज है तो उस पर रंग न डाला जाए। माँ बहनें अगर निकलती हैं उनके साथ भी अच्छा से अच्छे व्यवहार का सलूक प्रस्तुत किया जाए। बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, डीजे का प्रयोग यदि करते हैं उसका वॉल्यूम एक ऐसे स्तर पर रखें उन बच्चों को भी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। साथ में यहाँ पर डीजे बज रहा है, वहाँ पर आसपास के हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं जो कि हो सकता है किसी बीमारी से पीड़ित हो, उससे उनको कोई दिक्कत ना हो, तो सभी अनुरोध किया गया है। दूसरा एक समस्या और बताइए अभी आपके, ये ऑटो वाले जो है ना खड़े रहते हैं, टिकट कैबिनेट साहब से बात कर लीजिए, ऑटो स्टैंड की व्यवस्था हो तो आगे बढ़ सकते ठीक है। आप प्रयास कर रहे हैं कि ऑटो के हटाने का एसबीआई चेयरमैन साहब और जो होली का त्यौहार है ये विनम्र त्यौहार है और इसमें साल भर की जो पुराने कुछ रंजित में रहती है वो खत्म भी हो जाती है और कुछ शुरू भी हो जाती है, तो मैं बात करती हूँ प्रैक्टिकली है। लेकिन ये मिलन का त्यौहार है, इसमें किसी तरह की कोई आफत में या कोई है तो ये मिलन के त्यौहार से खत्म होता है। दूसरा, एक पिछली बार होली की एक समस्या आई थी किसी गाँव में, तरेटी हो गई, घर के पास होली है तो किसी साल किसको देखा तो घर के पास है लेकिन छोटी होली करके समस्या का समाधान हो गया। तो होली तो होली है, चाहे उसको चार फीकी रखें तो चार फीकी रखें, और जहाँ हमारे दिल मिले हुए हैं वहाँ होली की ऊंचाई थाना परिसर लगाएगी। लोगों का अभिनंदन बंधन है, होली उत्साह और उमंग का त्यौहार है, प्रेम और भाईचारे का भी त्यौहार। लोग होली में गले मिलते हैं, इसलिए कहते हैं होली के दिन सब घुल मिल जाते हैं रंगों में, मतलब सब रंग इसलिए लगता है कि रंग लग जाने से कोई अपने दुश्मन को भी नहीं पहचानता। ये प्रेम और उल्लास का त्यौहार है। हालांकि गंगा जमुनी तहजीब का ये जनपद जौनपुर इस त्यौहार को मुगरावास साहबों की सरजमीन में कभी भी विरोधाभास के रूप में नहीं मनाया, बहुत ही सुंदर तरीके से मना। और मेरे यहाँ एक दिन होलिका दहन रात में होता है, रात में होलिका दहन में नगर में एक दो जगह चिन्हित है जहाँ पे